तो दोस्तों, जिस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि KGF चैप्टर 2 फिल्म आ चुकी है और जल्द ही रिलीज होने वाली है। लेकिन उससे पहले इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसे आप हमारे वीडियो के जरिए भी देख सकते हैं। टीजर की बात करें तो टीजर काफी कमाल का और बेहद ही धाकड़ है, जिसमें हमारे रॉकिंग स्टार यश धड़ाधड़ फायरिंग करते हुए और गाड़ियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसलिए यश अपनी अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 2 को लेकर काफी सुर्खियों में है और फैंस भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब सुपरस्टार यश के फैंस का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि फिल्म KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। रॉकिंग स्टार यश ने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें लिखा है कि KGF चैप्टर 2 आगामी 16 जुलाई को थिएटर में रिलीज होगी। यश ने इस पोस्टर के जरिए फिल्म KGF चैप्टर 2 का इंतजार कर रहे फैंस की बेसब्री खत्म कर दी है। इस पोस्टर में यश दमदार लुक में गन पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। सो गाइज, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि फिल्म की रिलीज डेट तय हो गई है। KGF स्टार के इस पोस्ट पर फैंस जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं। कुछ ही मिनटों में उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अभी तक पोस्ट को 1.5 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और ये सिलसिला निरंतर जारी है। और आपको बता दें कि KGF चैप्टर 1 में यश ने रॉकी का किरदार निभाया है, जो कोलर गोल्ड फील्ड्स के गोल्ड माफिया की भूमिका में नजर आए थे और जिन्हें फैंस ने काफी पसंद भी किया था। और अब अगले सीक्वल में भी यश अपनी पावर और जोश के साथ अपने दुश्मनों का सामना करते हुए दिखाई देंगे। KGF चैप्टर 1 में रॉकिंग स्टार यश, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, प्रकाश राज, मालविका, अविनाश और अच्युत कुमार जैसे कलाकार नजर आएंगे। यह फिल्म कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी KGF चैप्टर 2 का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।